इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन और हम जा रहे टूवर्ड्स कोयम्बटोर और हम आदि योगी के आज दर्शन करने वाले हैं, तो बस चलते हैं। आई सब व्हाट अ ब्यूटी, पता नहीं आप देख पा रहे हो इसे, मैं जूम करके दिखाती हूँ। वाओ वाओ, समंदर की लहरें काफी दिनों बाद देखने को मिली। ये रेत को देख करके कि हम कहाँ पे हैं, क्योंकि अगर आप एलपी बोट हाउस के लिए ऑप्ट करते हो तो इस जगह को मत मिस कीजिएगा यार। जस्ट 6 किलोमीटर दूर है खूबसूरत सा बीच। आपको एलपी बोट हाउस से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगी वाइल गोइंग टूवर्ड्स कोयम्बटोर। तो हम तो कार से अपने आए हैं तो फिर निकल जा रहे थे, तो हमने देखा ये फ्लाईओवर से हमें दिख गई थी, तो वी स्टॉप बाई। आप यहाँ आते हो तो इस जगह को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, आप कुछ समय जरूर चुरा सकते हैं इसके लिए। ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत है और देखिए काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी एक्टिव बीच है ना, और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं है ना, और कुछ कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स भी हैं। चलिए फिर यहाँ से कोयम्बटोर के लिए निकलते हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और क्योंकि आज आदि योगी भी जाना है तो ऑब्वियसली है ना, वो 26 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच है टूवर्ड्स कोयम्बटोर, तो वो तो हम जा रहे हैं। कुछ हमारी टोटल जर्नी जो है 245 किलोमीटर की थी, जिसमें कि अभी 217 किलोमीटर बाकी है। हम लोग अरनाकुलम बाईपास से निकल चुके हैं और अनदर 180 किलोमीटर यहाँ से कोयम्बटोर। सो आपको बता दूं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं उनके लिए कि हमने केरला का एक सीरीज रोड ट्रिप सीरीज किया है, जहाँ पे हम सबसे पहले बैंगलोर टू मुन्नार बाय रोड गए हैं, देन मुन्नार टू थेकड़ी बाय रोड गए एंड थेकड़ी टू एलपी गए, और आज हम जा रहे हैं एलपी टू कोयम्बटोर है ना। सो कोयम्बटोर में बेसिकली हम लोगों का डेस्टिनेशन होगा आदि योगी। आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा सभी वीडियोस को। लंच हमने कर लिया और नॉर्मल वेज मील्स खाए थे, एक छोटे से होटल पे फट से रुक के खा लिया क्योंकि जाना है और डिस्टेंस अभी भी कुछ बाकी है 160 किलोमीटर्स का। सो और टाइम हो रहा है कुछ दो बजे के आसपास बजे हैं, और बस वही है कि अभी हम लोग सेलम कोची कन्याकुमारी हाईवे पे हैं, हाईवे 544, और फटाफट निकल रहे हैं। हमने एक थोड़ा सा डाइवर्शन लिया क्योंकि उस वाले रूट पे NH66 पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो GPS ने हमें रिकमेंड किया NH544, तो बस इसी पे हैं। सो हम त्रिशूर एंटर कर चुके हैं एंड ये भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, और आज का प्लान ये है कि हम जाएंगे फ्रेशन अप हो करके होटल से और निकलेंगे आदि योगी जी के दर्शन करने को, महादेव के दर्शन को। काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ लेजर लाइटिंग वगैरह होती है, मजा आएगा। ट्रैफिक लेस खुशियां लेकर आया है। तो मान लीजिए जो लोग जो साउथ से नहीं है बेसिकली और नॉर्थ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वो जनरली कोची तक फ्लाइट या ट्रेन कनेक्टिविटी के थ्रू आ सकते हैं,
और फिर वहां से मुन्नार बाई रोड या फिर मतलब जैसा भी उनकी सहूलियत के हिसाब से, दे कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। वाओ, देखिए टनल में हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है हमारे ड्राइविंग का, और इसके ऊपर का ना ब्यूटी बहुत खूबसूरत था, ग्रीनरी और रॉक का पूरा। सुपर एक्साइटेड एंड हियर वी एंटर। पता नहीं इस कनाल का खासा स्ट्रेच दिख रहा है, लग रहा है अराउंड अ किलोमीटर पे ये है। तो टाइम हो रहा 3:30 और हम पालाकाड पहुंच चुके हैं। सब तरफ ग्रीनरी देखने को मिल रहा है। सोच रही हूँ एक या दो दिन का ना डेडिकेटेड ट्रिप सिर्फ पालाकाड के फॉरेस्ट में करूंगी, मतलब ये बनता है यार एक बार एक्सप्लोर करना। तो हम रुके हैं एक चाय ब्रेक के लिए पालाकाड का ये जो कनेक्टिंग हाईवे है, इस जगह का नाम कुछ ऐसा है। केरला आए हैं और कुछ अच्छा बनाना चिप्स वगैरह नहीं लिया, हलवा नहीं लिया तो क्या लिया है ना। तो ये एक आउटलेट है चाय, काफ़ी अच्छा दिया आंटी ने सर्व किया और हमने ले ली है बनाना चिप्स और हलवा। ये रही हमारी बनाना चिप्स और ये हलवा है, दो तरह का लिया है हमने, एक डार्क कलर में है और एक हल्की सी येलो कलर में है। कोयम्बटूर रोड है जिसपे हम अभी ड्राइव कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है, बहुत ही सुंदर है यार। केरला से आई हूँ घूम के, हिल स्टेशन दो दो, थेकड़ी और मुन्नार दोनों देखा, बट मन जो बोलते हैं ना अभी भी नहीं भर रहा है, मतलब मौका मिले तो फिर चली जाओ, ऐसा खूबसूरत दिखता है। पैरेलल में जो रोड जा रही है ना राइट पे, वो सीधे पालाकाड निकल जाएगी और हम इधर लेफ्ट सर्विस रोड ले चुके हैं। आप देख सकते हो कोयम्बटूर टाउन हम एंटर कर चुके हैं। सो प्लान को तो हमने कर दिया है चेंज, बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करने का प्लान आप मत चेंज करना। तो हम फिलहाल होटल नहीं जा करके हम जा रहे हैं सीधे ईशा फाउंडेशन और वहाँ पे आदि योगी के दर्शन करके फिर अपने होटल आएंगे। कोयम्बतौर में वेरी फर्स्ट टाइम आ चुके हैं हम लोग और फाइनली एंटर कर चुके हैं, देखते हैं कि कैसी एक्सपीरियंस होती है। व्यू तो काफी अच्छा मिला, पूरे लेफ्ट में वेस्टर्न घाट के थ्रू हम ड्राइव करते हुए आए हैं, बहुत खूबसूरत व्यू था एंड बस वही है। चलिए देखते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सबके साथ, लेट्स सी। बेसिकली ईशा फाउंडेशन यहाँ से कुछ 6.5 किलोमीटर पे है। सो हम पहुंच चुके हैं ईशा फाउंडेशन और जैसा कि आप देख रहे हो एक प्यारा सा बैनर डिस्प्लेड है सामने, और आदि योगी के लिए ना हमें यहाँ से बेसिकली एक राइट टर्न लेना पड़ेगा और वो देखिए ये सामने में ये रहा एंट्रेंस, और पार्किंग वगैरह सब आपको इस कैंपस के अंदर ही जा करके मिल जाएगा। तो हम आदि योगी के प्रमाइसिस में एंटर कर चुके हैं और काफी बड़ा स्पेस, एकदम खुला खुला जगह, बहुत खूबसूरत फीलिंग आ रहा है यहाँ पे तो। और भाई पार्किंग वगैरह आपको देखकर बताती हूँ हाउ इज इट। सो लेफ्ट और राइट में तो दूर दूर तक काफी सारा पार्किंग स्पेस दिख रहा है, तो पार्किंग के लिए आपको सोचने की बेसिकली ना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लुक्स अमेजिंग। और ये भैया देखिए आ रहे हमारे पास वो टिकट, पार्किंग का टिकट के लिए। महादेव दिख गए हमको सामने, अद्भुत, कितने सुंदर लग रहे हैं। मस्त यार, टू गोल्ड, एकदम नेचर के बीच में।
महादेव मतलब सीरियसली ऐसे ही जगह पे रहना उनको पसंद भी है। सो चलिए इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ आप सबको मेरा बाय बाय। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले एंड डू हिट द बेल आइकन एंड यस डू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड।